हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम जीएस प्लस के अंतर्गत जो पॉलिटी थी उसमें भाग पाँच के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यानी भारतीय संविधान का भाग पाँच किन किन बातों का उल्लेख करता है, क्या क्या प्रावधान उसमें है, और सबसे महत्वपूर्ण भाग के तौर पर यह जाना भी जाता है। उन्हीं में हमने आपको कार्यपालिका से संबंधित जो पदाधिकारी हैं उन सभी के बारे में व्यापक परिचर्चा की थी। आज हम बढ़ते हैं केंद्र सरकार की, आपकी जो केंद्र में बैठी विधायिका है, विधायिका का निर्माण कैसे होता है, दायित्व क्या क्या है, अधिकार क्या क्या है, अधिकारी क्या क्या है, सदस्य कौन से हैं, संख्या बल क्या है, निर्वाचन कैसे है, अयोग्यता क्या है, इन तमाम मुद्दों पर बहुत विधिवत परिचर्चा आज हम करेंगे। तो बहुत ध्यान से मेरी सारी बातों को सुनना है, क्योंकि आज का हमारा जो पॉइंट है वह है आवर पार्लियामेंट, यानी हमारी संसद। विधायिका से संबंधित सारी चीजों को आप पढ़ने जा रहे हैं, तो बहुत ही ढंग से पूरे तन मन से मेरी बातों को सुनते रहिएगा। यह आपका जो भाग है सबसे महत्वपूर्ण है, और आज का जो बिंदु है यह भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है, तो एक एक करके जैसे मैं चीजों को बताता जा रहा हूं उसी अनुरूप आपको विधिवत ढंग से सुनते रहना है। अभी भी जो लोग इन सारे जितने भी आपको डेली बेसिस पर पूरी क्लासेस मिल रही हैं निःशुल्क, इन क्लासेस की आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमारा ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। वहां परीक्षा प्लस आप सर्च करेंगे, ऐप मिल जाएगा, और उसके बाद 10 प्लस कोर्सेस वहां आपको लिखा मिलेगा ऐप पर, उससे आप डायरेक्ट परचेज कर 3 महीने की सारी क्लासेस की 499 में हर एक पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 500 रुपए में 3 महीने तक डेली बेसिस की जो जितनी क्लास होगी हम सभी की पीडीएफ आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के आपके सीरीज में। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा क्योंकि आज का आपका पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो पॉइंट, यह क्या है, आवर पार्लियामेंट, यानी हमारी जो संसद है यह संसद निर्माण कैसे होता है, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। तो भारतीय जो संसद है, संसद का निर्माण या इसका उल्लेख भाग पांच में है। भाग पांच में अनुच्छेद 79 से लेकर के आपका जो है आर्टिकल 79 से लेकर 124 तक जो है इसके बारे में पूरा उल्लेख है, भारतीय जो है संसद के बारे में यह अनुच्छेद भारतीय संसद से संबंधित है। दूसरी बात, हमारी जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है, हमारी जो संसद है, इस संसद का जो निर्माण होता है इसमें निर्माण में 3 अंग कार्य करते हैं। ठीक है, यानी अपने यहां जो 2 सदन हैं ये तो है ही है कंपलसरी, इसके साथ पहला आपका होता है राज्यसभा, यह उच्च सदन के तौर पर जानी जाती है, और दूसरा जो अंग होता है संसद का यह होता है आपका लोकसभा, यानी इसको निम्न जो है संसद के तौर पर जानते हैं, और तीसरा जो संसद का जरूरी अंग है वह आपका है राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो है ये कार्यपालिका के अंतर्गत भी है और विधायिका के अंतर्गत भी है। कार्यपालिका में सर्वोच्च जो पदाधिकारी है उनमें प्रेसिडेंट आपका सबसे ऊपर आता है, और विधायिका में भी चूंकि जो कानून इस विधायिका के द्वारा बनाया जाएगा, संसद के द्वारा बनाया जाएगा, उस कानून पर जब तक प्रेसिडेंट की साइन नहीं होगी, सिग्नेचर नहीं होगा, तब तक वह लॉ नहीं बनता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कानून नहीं बनेगा, विधि नहीं बनेगा। तो सबसे पहले बात आती है संसद का निर्माण किससे होता है। संसद के 3 अंग से मिलकर संसद का निर्माण होता है, वह कौन कौन से है, पहला है आपकी राज्यसभा, दूसरी है लोकसभा, और तीसरा है आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ठीक है, इन तीनों पर, प्रेसिडेंट पर मैंने आपको बहुत विधिवत समझा दिया इससे पहले ही सारी चीजें, क्योंकि ये कार्यपालिका के अंतर्गत भी है और कार्यपालिका को हम लोगों ने बहुत ढंग से पढ़ा है। आज विधायिका को पढ़ लेंगे, फिर अगला जब टर्म आएगा तो मैं न्यायपालिका के बारे में आपको बताऊंगा। यहां पर आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, कब बनी भारत में दोनों, इस समय वर्तमान में संख्या बल क्या है, संख्या बल में साथ साथ जैसे आप जो है कुछ लोगों का मनोनयन होता है वो कैसे होता है, किन क्षेत्रों से होते हैं, संसद के पदाधिकारी क्या होते हैं, जो संसद के सदस्य हैं इनका निर्वाचन कैसे होता, शपथ कैसे होती, इन तमाम बातों पर अब हम बात करने जा रहे हैं। तो अगली जो पॉइंट आपकी हेडिंग एक तरीके से बनेगी, ठीक है, इसी में एक आध चीजें और आपको ध्यान रखना है, जैसे
जो है जो आपका प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास संसद के किसी भी सदन की बैठक बुलाने और सत्रावसान करने अथवा लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जब आपका लागू हुआ, प्रभावी हुआ, वर्ष 1951-52 के दौरान नए संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव हुआ। हमारा संविधान जब बन के लागू हुआ तो उसके अंतर्गत जो आम पहला आम चुनाव पूछता है कब हुआ, 1951 से 52 के दौरान हुआ था, ठीक है। और अप्रैल 1952 में प्रथम निर्वाचित संसद लोकसभा जो है अस्तित्व में आ गई थी। पहली बार चुनकर लोकसभा अस्तित्व में कब आई पूछता है, तो वह बात है कब की, अप्रैल 1952 की। अब हम आगे बढ़ते हैं, दोनों सदनों के बारे में पढ़ते हैं, संसद के गठन के बारे में हमने पढ़ लिया है कि संसद के गठन में ठीक कौन कौन है। तीन अंग के तौर पर है, राज्यसभा, लोकसभा और आपका राष्ट्रपति। 1954 में लोकसभा व राज्यसभा शब्द को अपनाया गया है। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, दूसरा चैंबर या बड़ों की सभा राज्यसभा को बोलते हैं, जबकि लोकसभा निचला सदन यानी पहला चैंबर या चर्चित सभा कहलाता है। लोकसभा में वो राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व आपकी लोकसभा करती है, राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और ना ही वह सदस्य जो है संसद की बैठकों में भाग लेता, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि दोनों सदन अगर किसी बिल को पारित करते हैं तो वह बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और उसके हस्ताक्षर के बाद वह लॉ बनेगा, कानून बनेगा। आगे बढ़ते हैं, दोनों सदनों की संरचना को समझते हैं कि राज्यसभा की संरचना क्या होती है, लोकसभा की संरचना क्या होती है। राज्यसभा आपका एक ऐसा सदन है जो कभी भी विघटित नहीं होता है, यानी हमेशा चलने वाला, ये एक अस्थाई निकाय बोल सकते हैं इसको, कि राज्यसभा एक अस्थाई निकाय है, इसका विघटन नहीं होता, परंतु प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अभी आपका पिछले कुछ दिन पहले राज्यसभा के चुनाव हुए, ठीक है, उसमें जो सीटें कुछ खाली थी उन सीटों को लेकर चुनाव था, ठीक है। तो राज्यसभा में ऐसे ही हर एक दो जो है 2 वर्ष पर ऐसा इसमें सिस्टम बिठाया जाता है कि इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 को प्रथम यथाविधि गठन हुआ, यह पूछता है। राज्यसभा का गठन प्रथम बार कब हुआ, 3 अप्रैल 1952, तथा इसकी पहली बैठक उस वर्ष 13 मई को हुई थी। 13 मई 1952 को पहली बैठक राज्यसभा की आपकी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन एवं दीव तथा दादरा और नगर हवेली से राज्यसभा के लिए कोई प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 निर्धारित है, इनमें 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि यानी जिनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा, और 12 ऐसे हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। पूछता है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो वह सदस्य आपके 12 होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, ठीक है। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है, ठीक है। पूछता है 4थी अनुसूची का संबंध किससे है, तो राज्यसभा में सीटों व स्थानों के बंटवारे को लेकर के 4थी अनुसूची आपकी संबंधित है। अगली बात, मनोनीत जो होते हैं या नाम निर्देशित नॉमिनेटेड जो आपके सदस्य हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामांकित या नाम निर्देशित करता है जिन्हें किन किन क्षेत्रों में क्षेत्र पूछे गए हैं। पहला तो है आपका कला, दूसरा क्षेत्र होता है साहित्य, तीसरा क्षेत्र होता है विज्ञान और चौथा है समाज सेवा। 4 क्षेत्रों में अगर किसी व्यक्ति को विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है तो राष्ट्रपति उसको राज्यसभा में नियुक्ति देते हैं। अगली बात, संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व है, राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, ठीक है। यह चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल रेफरेंडम जो सिस्टम है इसके द्वारा होता है।
अगली बात, राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है, समझिए इसको। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, ठीक है। राज्यों का जो निर्वाचन होता है, राज्यों के लिए जो सीटें आरक्षित हैं उनके लिए जो निर्वाचन होगा वह राज्य विधानसभा के सदस्य करेंगे। चुनाव वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, ठीक है। अगली बात आती है लोकसभा की संरचना, लोकसभा का गठन कैसे होता है। अधिकतम संख्या 552 लोकसभा की, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें 530 राज्यों के प्रतिनिधि, यह पूछता है कि लोकसभा में अधिकतम राज्यों के प्रतिनिधि कितने हो सकते, 530 जो है 530, 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे तो यह 550 हो गया, ठीक। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनीत या नाम निर्देशित करता है तो सब मिला के 552 बनते हैं, ठीक है। अपने यहां मैक्सिमम जो सीट है 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य मौजूद हैं, ठीक है, अभी 7 जो है सदस्यों के लिए स्थान खाली है। अब बात होती है कि ये जो मनोनीत या नाम निर्देशित सदस्य हैं ये कैसे लोकसभा में कैसे आएंगे, 2 सदस्य हैं। पूछता है, कभी कभी पूछता है कि राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो जब संसद की बात आएगी तो दोनों सदन मिलाकर मतलब पूछा है, यानी वहां 14 जवाब होगा, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया राज्यसभा में तब 12, लोकसभा पूछ लिया तो 2, याद रखिएगा, गलत मत करना। अगर एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो तो राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 लोगों को नामांकित या उनका नाम निर्देशित कर सकता है, किस में, लोकसभा में, राज्यसभा में 12 का करता है। अगली बात, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा लोकसभा में। संविधान ने संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाने लगे, ठीक है, 1956 में बनाया। सोचिए 4 साल चुनाव हो गया, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व नहीं थे। अगली बात, राज्यों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कैसे होता। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। हम आप जो है अपना सांसद चुनते लोकसभा वाला, उसको डायरेक्ट वोट देने जाते हैं। अगली बात यह आती है कि भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और उसे जिसे संविधान या कानून के प्रावधानों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया वह मत देने का अधिकारी है। और यह जो है 61वें संविधान संशोधन विधेयक 1988 में मत देने की जो उम्र सीमा है यह पहले 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष की गई। यह सवाल बहुत बार आया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो वह 61 नंबर का था, हमेशा ध्यान रखना। आगे बात होती है कि लोकसभा में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन किस प्रणाली के आधार पर होता है, तो अगली हेडिंग है लोकसभा की चुनाव प्रणाली। आगे बढ़ते हैं लोकसभा की चुनाव प्रणाली में। देखिए हमारे यहां जो चुनाव प्रणाली लोकसभा को लेकर है उसमें सबसे पहली चीज आती है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्या है, निर्वाचक क्षेत्र, समझिए। लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक। इस संबंध में संविधान ने 2 प्रावधान बनाए हैं, कौन कौन से वो प्रावधान है समझिए। पहला प्रावधान यह कहता है भारतीय संविधान का कि प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या का अनुपात समस्त राज्य में एक ही होगा, इस अनुरूप हर एक राज्य में डिवाइडेशन चलता है। दूसरी बात, लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक समान बन जाएगा। यह प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र जो है बनाने की विधि होती है, तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं,
यह साथ साथ यह भी कहता है कि यह उन राज्यों पर लागू नहीं होता जिसकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। ठीक है, दूसरी बात आती है संविधान अन्य क्या प्रावधान करता, कहता है कि प्रत्येक निर्वाचन वो प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन होना चाहिए सीटों के लिए। इसको समझिए, प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का जो समायोजन किया जाना चाहिए यह हर एक जनगणना के बाद होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि आपको पता चला रिसेंटली कि सीटें बढ़ाई गई जब से आप होश में आए, हमें नहीं लगता कि मालूम चला होगा। संसद को यह अधिकार है कि वह किस प्राधिकारी द्वारा किस रीत से इनका पुनः समायोजन करे। इसी के तहत संसद ने एक पहली बार तो 1952 में, दूसरी बार 62 की बात है और तीसरी बार 72 और चौथी बार 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किया था। ठीक है, परिसीमन आयोग अधिनियम अभी जो आपका लद्दाख वाला एरिया है, ठीक, कुछ आपके जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है तो कुछ ऐसे जिले हैं जो पीओके के अंतर्गत हैं, भारत ने उनके लिए क्या स्थान छोड़ रखे हैं कि पीओके जब हम फिर से कब्जा करेंगे तो वहां के लिए चुनाव कराएंगे, उतनी सीटें खाली चलती हैं हमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण कैसे होता है। अनुसूचित जाति जो है जनजाति है इनके लिए सीटों का आरक्षण कैसे, लोकसभा में इनको भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले इसका ख्याल रखा गया। तो ध्यान दीजिए, संविधान में किसी धर्म विशेष के प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया गया है, ठीक, लेकिन जनसंख्या अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई। ठीक है, कि जिनकी जनसंख्या जैसी है, बहुत कम जनसंख्या बची है, तो उनको भी सीटें हम कैसे दिलाएं ताकि उनको भी मुख्य धारा में लाया जा सके, उनके लिए विकास प्रावधान हो सके। आगे समझिए, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, लेकिन उनका निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कोई अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जो है जनजाति का क्षेत्र है, तो वहां पर उस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी लोग आएंगे उन्हीं के द्वारा उनका निर्वाचन होगा। ठीक है, अगली बात, अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि वहां से अगर वो उसके प्रतिनिधि करने वाले हैं तो उसके अलावा वो कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ सकते, वो चाहे तो सामान्य जो प्रतिनिधि क्षेत्र है यानी ऐसे इलाके जो आपके जनजाति या जो है इसमें इसके एससी और एसटी के दायरे के अंतर्गत नहीं है वो सामान्य भी लड़ सकते। आगे बढ़ते हैं, दोनों सदनों की अवधि क्या होती है इसको समझिए। तो सबसे पहले हम राज्यसभा की अवधि को समझते हैं। भैया राज्यसभा जो है पहली बार 52 में मैंने बताया स्थापित, ये निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी एक बार चलना ये प्रारंभ कर चुकी है तो अब ये हमेशा चलेगी, इसकी चेन नहीं टूटनी है, इसका विघटन नहीं होता, किंतु इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेनानिवृत्त हो जो है सेवानिवृत्त होते हैं, हर दूसरे जो है वर्ष एक तिहाई सदस्य इसके जो है ऐसा प्रोसीजर बनाया गया है, ऐसा तालमेल बनाया गया है कि उनका हर जो है दूसरे वर्ष स्वयं से कार्यकाल पूर्ण हो जाता है 6 वर्ष का। अगली चीज, ये सीटें चुनाव द्वारा फिर भरी जाती और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष के शुरुआत में मनोनयन हो जाता। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते और मनोनीत हो सकते, उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है सांसद बनने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा की अवधि, राज्यसभा से अलग लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है भैया, बिल्कुल सामान्य तौर पर इसकी जो अवधि है, जो पहला आपका आम चुनाव हुआ, आम चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है उस पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष के लिए होती है, इसके बाद या खुद व्यक्तित हो जाती, हालांकि राष्ट्रपति के पास 5 साल से पहले किसी भी समय इसको विघटित करने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीजें नहीं आई तो यह 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करती है। इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। पूछता है कितने जो है दिन के लिए, तो एक बार में 1 वर्ष के लिए आपात के समय लोकसभा की जो है अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अगली बात, संसद की सदस्यता, इनके लिए योग्यता क्या चाहिए। भैया संसद का अगर हमें सदस्य बनना तो हमें क्या क्या क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए हमें, देखिए संविधान में
संसद में चुने जाने के लिए कुछ अर्हताएं हैं। सबसे पहले चीज कह रहा कि उसे राज्य जो है राज्यसभा में अगर चुना जाना है तो उसके लिए कम से कम 30 वर्ष आयु का, और लोकसभा में अगर उसे चुना जाना है, चुने जाने की इच्छा रखता तो कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 25 वर्ष की आयु है तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते, 30 वर्ष की आयु है तब आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, यह बात है। तीसरी बात, उसे निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए प्रारूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, क्योंकि अनुसूची 3 शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। अगली बात, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 वाला, इसमें संसद ने निम्नलिखित अन्य अर्हता भी लागू की है, वो क्या क्या है? कहती है इसके अनुसार जो आपका जनप्रतिनिधित्व या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम लिखा रहता है कहीं कहीं, लोकसभा के लिए भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। आपको चुनाव लड़ना है तो भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर आप पंजीकृत मतदाता हैं तो आप चुनाव बेशक लड़ सकते हैं। दूसरी बात, राज्यसभा के लिए उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, यह बात जरूरी है भैया। अगली बात बढ़ते हैं, अयोग्यता क्या है, हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी आ गई जिसके वजह से हम चुने नहीं जाएंगे, तो इसको समझिए। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता, कब? यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अयोग्य कर दिया गया हो, ठीक। अगर उसे अयोग्य ठहरा दिया गया तो वह आपका कभी भी संसद नहीं बन पाएगा। दूसरी बात, यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता, संसद द्वारा तय पद कोई पद या मंत्री पद को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि मंत्री पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं है, अगर वो लाभ का पद धारण करता तो वह नहीं बन सकता है। तीसरी बात, यदि वह दिवालिया है तब भी उसको नहीं बनाया जा सकता। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तब भी वो आपका संसद जो है सांसद नहीं चुना जाएगा। अगली बात, यदि वह विकृत चित्त है, पागल है भैया, न्यायालय ने ऐसी घोषणा कर दी कि यह फला व्यक्ति जो है पागल है, तब भी आपको नहीं बना सकते। संसद ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अधिनियम 1951 में निम्नलिखित अन्य अयोग्यताएं निर्धारित की हैं। यदि वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल रहा तो वह अयोग्य हो जाएगा। दूसरी बात, उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई है तब भी वह अयोग्य होगा। और तीसरी बात, यदि वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत अगर दोषी करार दिया गया तब भी वो क्या होगा, अयोग्य होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें दल बदल के आधार पर भी अयोग्यता होती है भैया। दल बदल कानून बना है, ठीक, दिखाई भी देता है हमें, समझिए इसको। संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता के अयोग्य ठहराया जा सकता अगर उसे 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया गया हो। तो दल बदल प्रावधान किस अनुसूची, 10वीं अनुसूची में। अगली चीज, सदस्यों को दल बदल कानून के निम्नलिखित प्रावधानों के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। अब दल बदल कानून में कैसे प्रावधान है इनको समझ लीजिए। कहता है अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो गया तो वह सांसद के पद से अयोग्य हो जाएगा। समझिए, आप निर्दलीय चुनाव लड़ लिए, चुनाव जब जीत गए अब आप जाकर के किसी पार्टी में जो है पांव पकड़ लें कि हमको अपने में शामिल कर लीजिए तो आपको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुनाव जो है लड़ाया गया है, अगर आपने मान लीजिए कि बीजेपी की जो है पार्टी से आपको टिकट मिला, आप जीत गए, उसके बाद आप उस दल का परित्याग करते हैं, तब भी ये चीजें हैं। अगली बात, अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है तब भी वो अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए, जिस पार्टी के हैं उस पार्टी ने कहा इनको वोट देना है तो देना है भैया। आगे बढ़ते हैं, स्थान कैसे रिक्त होते हैं इस बात को समझिए। निम्नलिखित स्थिति में संसद सदस्य स्थान रिक्त करता है, कब? पहली बात आती है अगर दोहरी सदस्यता उसके पास है, लोकसभा से भी चुन के आ गया, राज्यसभा से आ गया, या
मान लीजिए कि किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य है तब भी होता है। दोहरी सदस्यता में कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, दोनों से चुन गया तो उसको एक से इस्तीफा देना पड़ता है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति दो सीटों पर चुना जाता तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटें उसकी खाली हो जाएंगी, ऐसा भी प्रावधान है। आप दो सीटों से चुनाव लड़ते हैं, दोनों जीत जाते तो एक को आपको खाली करना पड़ता। अगली बात, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता तो उसे 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। अगर सूचना उसने नहीं दिया, मान लीजिए 10 दिन के भीतर, तो राज्यसभा की जो सीट है वो खाली हो जाएगी उसकी, समझे, राज्यसभा की उसकी सीट खाली हो जाएगी। अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में चुना गया तो जिसमें वो पहले था उसका स्थान वहां रिक्त, अब वो दूसरे में आ गया। अगली बात, कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। आप भैया अगर संसद सदस्य चुन लिए गए तो राज्य विधानमंडल वाले से इस्तीफा देना पड़ेगा आपको, यह प्रावधान है। अगली बात, अयोग्यता, यदि कोई व्यक्ति संविधान में दिए किसी विनिर्दिष्ट अयोग्यता से ग्रस्त पाया जाता तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है। पद त्याग से भी स्थान रिक्त होता है, कैसे, कोई सदस्य यथा स्थित राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना स्थान रिक्त कर सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। अनुपस्थित, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकती, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं शपथ या प्रतिज्ञान को लेकर के। संसद का सदस्य आप चुने गए भैया, सांसद चुने गए तो कैसी शपथ लेंगे, समझिए इन बातों को। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त कोई भी व्यक्ति उसके समक्ष शपथ लेता है, ठीक, और उस पर हस्ताक्षर करता है। शपथ या प्रतिज्ञान में संसद सदस्य प्रतिज्ञा करता है कि वह वफादारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, भारत के संविधान में सच्ची आस्था व निष्ठा वहन करेगा, और तीसरी बात बोलता कि भारत को प्रभुता व अखंडता बनाए रखेगा। ठीक, ये शपथ वो व्यक्ति लेता है जो चुना जाता। अब ये सब लोग चुन लिए गए तो इनके वेतन और भत्ते क्या होंगे, इन बात को समझ लेते हैं भैया। देखिए, जो सांसद आपके होते हैं ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते लेने का अधिकार है। संविधान में इनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद अपने सदस्यों को पेंशन देती है। संविधान में नहीं है लेकिन अब भैया संसद देती है, प्रावधान कर रखी। तो ये सारी जितनी बातें रही ये सभी चीजें संसद के बारे में रही। अगले जब हम पॉइंट पर मिलेंगे तब हम आपसे बात करेंगे संसद के प्राधिकारी के बारे में। प्राधिकारियों में जितने लोकसभा के जो होते हैं, राज्यसभा के जो होते हैं, उन सभी को पढ़ने के बाद फिर हम बढ़ जाएंगे जुडिशरी यानी न्यायपालिका की ओर। ठीक, तो सरकार के तीनों अंगों को पढ़ने के बाद केंद्र सरकार, फिर हम राज्य सरकार में, फिर धीरे धीरे जो है पॉलिटी इंड की ओर बढ़ेंगे। तो उम्मीद है सारी बातें इंडियन पार्लियामेंट से संबंधित आपको समझ में आई होंगी। ठीक, नए लोग जो देख रहे हैं जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ बढ़िया बढ़िया जैसा समझ में आता है वैसा कमेंट देकर जरूर जाएं, क्योंकि ऊर्जा मिलना जरूरी है आप सभी। तो फिर मिलते हैं इससे आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।